समझ में ना आ रहा देश में चल लिखा रहा है। अरे मान लिया दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल कतई हाई हो रखा है, एग्रीड, मतलब वर्ल्ड की अगर सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी लोगे दिल्ली टॉप मार रहा क्योंकि दिल्ली से बहन की संस्कारी। बट मानो या ना मानो दिल्ली के पोल्यूशन का इफेक्ट लोगों पे हो या ना हो बट म्यूजिकली वालों पे जरूर हुआ है। और तुम में से बहुत ज्यादा लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट करते कि मैं म्यूजिकली कर, भाई एक बहुत अच्छा रीजन है कि मैंने म्यूजिकली करना बंद कर दिया क्योंकि सबसे ज्यादा दिल्ली पोल्यूशन का इफेक्ट म्यूजिकली वालों पे हुआ है। पर एक बात बताओ, कौन सा बंदा अपनी सद्बुद्धि में ये करेगा? तर नाम का गहना पद्मावती ने कभी पहना ही नहीं, क्या आज रात हम आपसे कुछ मांग सकते? दिल से ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते और दिल से ज्यादा आप कुछ मांगेंगी नहीं। अबे बिस्कुट है वो, बिस्कुट खाते हैं उसको चाय के साथ, पेट में जाता है नाक पे नहीं। ये रिकॉर्ड करने के बाद ना यही बिस्कुट चाय में डुबो के खा गया होगा, बड़ा डर्टी जोक हो गया यार। आई नो तुम लोग इसके अपीयरेंस को जज कर लोगे बट मेरे दिल से बड़ा स्ट्रॉन्ग सवाल आ रहा है, इस अपीयरेंस के अंदर क्या इसने पहनी होगी? छोटी छोटी चड्डी। अबे मजाक भी नहीं कर रहा, मतलब दिल्ली वाले पॉल्यूशन को इतना लाइटली लेते ना हम लोग, मतलब इतना लाइटली लेते हैं जैसे घर वाली बात है। और मेरे को लगता था ये बहुत बड़ी डील है, हम लोग पॉल्यूशन को इतना लाइटली नहीं ले सकते। बट अभी समझ में आया ना पॉल्यूशन को लाइटली क्यों ले रहे, क्योंकि पॉल्यूशन से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे पास म्यूजिकली पे। और चलो इस बंदे ने तो फिर भी थोड़ा मेकअप करके अपने ग्लैमर देने की कोशिश की थी, ये क्या कर रहा है यार प्लीज बताओ मुझे। मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं क्योंकि सब लीगल है, तुम्हारी मर्जी, इस बंदे को तुम देख लो। ए वो तो ठीक है बट वेयर इज द ग्लैमर ब्रो, ग्लैमर कितने लौंडों के लिए। अरे पागल है क्या, इसकी बातें मत होए, तुम्हें लगता मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? मजा आए ना इस वीडियो में, जोक्स मिले ना मिले इस वीडियो में। ग्लैमर यूट्यूब इंडिया पे एक लौता चैनल है जो तुम्हें संस्कारी वे में ग्लैमर देता है, मैं तुम्हें भूल जाऊं? और मैं ग्लैमर भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और ग्लैमर इस चैनल पे छूट जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सनी देओल सुनील शेट्टी का मिक्स करके अगर कोई बच्चा बनता है ना वो ये था। पिघलना नहीं है ये कोई म्यूजिक नहीं था, ये कोई गाने थे। मान लिया बंदी हॉट है बट ये म्यूजिकली नहीं होती, म्यूजिकली पता कैसी होती है ये? यही तो सवाल मेरे दिल को सताती है, सब कुछ मेरे पास फिर जो तेरी याद आती है, सारे वादे किए तुझसे मैंने निभाए हैं, ये गाना उन वादों की ही सच्चाई है, फिर भी छोटी बातों पे दिल रहता ये उदास है, कब था जो मेरा नहीं अब मेरे पास है, भूलना भूल जाता पर तुझको ना भूला पाऊं, जितनी कोशिश करूं उतना ही तुझमें डूब जाऊं, किस्मत मेरा होता तो यूं ना हम मिले होते, मोहब्बत और जात के ना ये सिलसिले होते, क्यों दिल में आज भी तेरा दिल मौजूद है, क्यों तेरी आहटें करती मजबूर है, याद है हमारी वो आखिरी मुलाकात, जब कहा था तूने ना चाहती करना मुझसे बात, दुखा था दिल मेरा तेरी बातें सुनकर, फिर भी निभाया ये वादा अपने आंसू पी कर। ना मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं बीनू के लिए बोल रहा है, इतना टैलेंट मैन कहाँ। और एक मेरी बंदी थी, मतलब टैलेंट उसमें बहुत था यार, बहुत ज्यादा, बस थोड़ी इंटेलिजेंस की कमी थी। मैं एक बार उसको बोला चलो बाहर चलते हैं मूवी देख के आते हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती, एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर, आई डोंट लाइक पुअर, जब रिच होगी तब जाऊंगी मैं। अच्छा बट एक बात सोचना, पॉल्यूटेंट में तो रिच है, चलो फिर ठीक है। ए, इसके लिए तो मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मैं सच बता रहा था, प्लस थिएटर में जाके तुम्हें भी पता है अंधेरे में क्या होना है, मेरे घर वाले भी देखेंगे इसे। वो सारी मनगढ़ंत कहानियां है, चप्पल लेके ऊपर मत आ जाना। पहली चीज मैंने मना किया, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, हूँ मैं। दूसरी चीज मैंने बोला मैं नहीं करेगा तो मैं नहीं करेगा, ये तो टाइटल में क्यों डाला है साले? व्यूज, सब्सक्राइबर, यूट्यूब मनी। और तुमने क्लिकबेट का नाम नहीं सुना? तेरे भाई में भी दम है। बट ऑफकोर्स अगर मैंने टाइटल में डाला तो मुझे थोड़ी बात तो करनी पड़ेगी। बी फ्रैंक मैन, बी फ्रैंक, मुझे ड्रामे से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट पहला चीज घर चलाना है, मैं अपने घर पे रोटी जाता हूँ, स्ट्रगल लाइफ है माता दी, लेट्स रॉक। पहली चीज मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने गाना सुना, और गाने में कुछ भी कैची नहीं तो मजाक नहीं उड़ा सकता, कुछ भी करो, गाना एक्चुअली अच्छा है, बट गाने की हर एक लाइन एक कहानियां बता रही है, और मैं पूरा गाना ना एक्चुअली ट्रांसपेरेंट सॉन्ग की तरह देख रहा हूँ, एक नंबर पेला हुआ है गाना, मतलब लिटरली मैं 650 से ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ इस चैनल पे, और 100-150 से ऊपर वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे है, और मैं इतने ड्रामे में घुस चुका हूँ कि मुझे पता एग्जैक्टली क्या बात बोलनी चाहिए जिससे तुम सही साबित होगे, जिससे तुम गलत साबित होगे, और ये पूरा गाना लिटरली पूरा गाना मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है एंजॉय करो, बट मेरी प्रॉब्लम बस उन लोगों के साथ है जो इसके बाद भी हेट करेंगे ब्रो।
एमएंट है 22 साल का, मैं 26 साल का हूँ, रफ्तार 29-28 साल का। हम लोगों ने इतनी दुनिया तो देखी है कि हमें समझ में आता है कौन कैसा है और क्या हो रहा है। और तुम अभी एमएंट की एज पे भी नहीं हो, तुम रफ्तार की एज पे भी नहीं हो, तुम मेरी एज पे भी नहीं हो। ट्रस्ट में, इधर की बात सुन के उधर जाके गाली देना, उधर की बात सुन के इधर जाके गाली देना, इसे बंद करो। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। ठीक है, गाना ठीक ठाक है, बट एमए मोमेंट के बारे में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी आज के दिन में, वो इसका दूसरा गाना जो मेंस म्यूजिक के साथ आया है, पेग 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 पेग, एंड यू नो आई लव पेग। अबे रुक, वी बोथ लव पेग्स मैन। और मार ली गाने की खोल गए ने, मतलब पॉजिटिव वे में। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे उस गाने का लगा है, बहुत हार्ड पेग बना दो चार। मतलब ओवरऑल लिरिक्स ना गाने के बहुत एवरेज लगे मुझे, बट एमी बबनटाई ने आग लगा दी है। म्यूजिक वीडियो बहुत वीक लगी है, बंदर की तरह क्यों लटक रहा भाई, गाना पार्टी ट्रैक है, तू पागलपंती भी कर रहा है। भाई कमर्शियल म्यूजिक करना अच्छी बात है, तूने किया बहुत अच्छी बात है, अब कमर्शियल म्यूजिक वीडियो पे पी प्रेजेंटेशन पे भी फोकस मारो, दैट्स ऑल आई कैन से। बट अगेन फील फ्री टू लेट मी नो तुम्हारे क्या ओपिनियन है एमी बबनटाई खत्म के लिए और पेग 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 के लिए। आई लव पेग मैन, आई लव पेग, मतलब गाना बे, अबे गाना चल इसी नोट पे एंड हुआ होगा ये एपिसोड, नहीं खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आज का नोटिफिकेशन शाउट आउट जा रहा है आलोक को, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम इन वीडियो में आए, शेयर दिस वीडियो, टैग मी इन दैट पोस्ट, और क्या पता तुम्हारा नाम भी आ जाए इन वीडियो में। एंड जस्ट इन केस तुम उन लोगों में से हो जो इस वीडियो को शेयर नहीं करने वाले, बाय गॉड दिवाली पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी तरह अकेली जिंदगी हो जाएगी, बंदी नहीं पटेगी, हिला हिला के थक जाओगे, शक्ल पे पिंपल आ जाएंगे, फ्यूचर में शादी नहीं होगी, अकेले मर जाओगे हिलाते हिलाते। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है, बट मैं कहूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। शेयर कर दो यार, गोल्ड प्ले बटन चाहिए, ऐसे लगेगा गोल्ड। टेक्निकली बस मैं देखना चाहता हूँ उसमें एक्चुअली गोल्ड होता है कि नहीं होता, फिर ज्ञानी गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि अभी के लिए तो गोभी आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। मतलब दिल्ली की लड़कियों का अलग ही स्वैग होता है यार, मेरी वाली छोड़ दो बे, नॉर्मल लाइफ में भी अगर तुम किसी को जाके बोल दो ना आई लव यू, उसका एक ही जवाब होता है बे, तुम्हें मुझसे बेहतर मिल जाएगी। देखो पता है मुझे तेरे से बेहतर मिल जाएगी, पर जब तक वो नहीं मिलती तेरे से काम चला लेंगे यार। चल आई नो आई बेट तुम में से बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं लड़कियों के बारे में इतना जहर क्यों गलत, अरे वो तो इसलिए गलता हूँ ना क्योंकि किसी नागिन को मुंह लगा लिया था मैंने एक टाइम पे, जहर उगल रहा था मैं, बहुत हार्ड। मतलब मुझे याद है यार जब मैं रिलेशनशिप में होता था और दिवाली का सीजन होता था ना, वो बंदी मेरे से कहती थी बे दिवाली और ये क्या गिफ्ट दोगे भाई, महीने में इतना कमाता था कि सुट्टा पानी में ही पैसे खर्च हो जाते थे और जो बचते थे वो घर वाले ले लेते थे, उसको क्या दूं? कोई नहीं, बकचोद में बचपन से मेरा बस एक ही जवाब होता था, तुम्हें क्या गिफ्ट दूं? तुम तो खुद ही पटाका हो। ये गंदा है। सॉरी पार ले मैंने। अच्छा दूसरे दिन मारा था अब तक दर्द कर रहा है। आई नो तुम में से कुछ ऐसे हरामी बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे मैं ऐसी हरकतों की वजह सिंगल हूं। नहीं, मैं उनकी बातों से तंग आ चुका था। मतलब गौर करना, जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है और स्पेशली तब जब तुम करते हो वो ब्रेकअप, वो नहीं तुम, उसका एक ही जवाब होता है भाई, तुम्हें मेरी जैसी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ उसका नाम लेके फेसबुक पे सर्च करो, 800 से ऊपर फेसबुक आईडी आएंगी। भरोसा उठ गया, सच्चाई की कदर ही नहीं, सब झूठे एक नंबर के, सब मादर फादर एक, नमस्कार संस्कारी जो ये। एंड द ओनली रीजन मैं सिंगल हूँ ना क्योंकि मेरा भरोसा उठ चुका है प्यार मोहब्बत से और लड़कियों से। अबे एक बार मैं इतना गंदा फ्रेंड जोन हुआ था, यमराज भी आ गया मेरे से बात करने के लिए, यानी ऊपर आ जा ले रस्सी फेंकता हूँ, तब से डील हुई, वो मुझे उठाएगा नहीं जब तक मैं सिंगल रहेगा। Stop it. Get some help. ठंड आ रही है बे, और ठंड में मेरे को शाहरुख खान का डायलॉग याद आता है, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं। और नहाते क्यों डेली है भाई, को ठंड में आके ना एक चीज है जिसकी खुशी और गम एक साथ होता है, गर्लफ्रेंड ब्रो, गर्लफ्रेंड। मैं बता रहा हूँ सच में, ठंड में मुझे खुशी होती है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, सारा डेली नहा के बाहर मिलने जाओ, कौन करेगा ये, बट रात आती ना बड़ा दुख होता है यार। Why are we still here? Just to suffer. एक तो ये ठंडियों में ना नहाने का सीन सच में मुझे कभी समझ में नहीं आता, ठंड में पता नहीं अलग ही हो जाते यार मॉम डैड, हर दिन आके तुम्हें याद दिलाते कल नहीं नहाया था आज नहाना पड़ेगा। मैं उनको समझाता रह गया, मम्मी जिनके दिल साफ होते ना उन्हें नहाने की जरूरत नहीं होती, मैं सोचता था छप्पल पड़ेगी, सारा ठंडे पानी का बाल्टी आ गया। Why are we still here? पानी नहीं है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं भाई, जोक नहीं है मार्केट में।
इस वीडियो में कही गई सारी बातें मजाक है, इसका किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धर्म, रीति रिवाज से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मजाक के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, बट गलती से जाने अनजाने में मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे तुम्हें बुरा लगा, तो अपने हाथ जोड़ के सिर्फ एक बात कहूंगा, जाबल। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, करना है हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, करना है हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो। ना मेरा ज्ञानी 2.0 आज का क्या, जस्ट बिकॉज शी इज अ लड़की डजंट मीन शी कैन बी टर्की।